ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି ଜାପାନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଣବିକ ବିକିରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ବିକିରଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେ ନେଇ କନକ ଟିଭିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଅଗ୍ରୱାଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। अग्रवाल साहब, जैसा ये जापान का अभी क्राइसिस चल रहा है और जिस तरह सुनामी हुआ उसके बाद जो रेडिएशन की बात अभी आ रही है, काफी देश भर में आतंक है, ये सारे चीज को आप किस तरह देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? पिछले 10 सालों में ऐसे प्राकृतिक हुए बातें हुई हैं, जैसे बड़ी सुनामी आई, इस बार सुनामी आई, अर्थक्वेक अभी भी आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े अर्थक्वेक आ रहे हैं जापान में। तो इसलिए हमें एक हमको इस दिशा दिखाते हैं कि हम जो भी करें उसको सिर्फ एक टेक्निकल डिजाइन की बात नहीं है, लेकिन हम उस ओर जाएं जहां पर इसकी इस सेफ्टी की इतनी जरूरत ना पड़े। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि अभी किस तरह खतरा भारत के ऊपर मंडरा है? बड़े संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी हमारा सिस्टम बिल्कुल इसमें समक्ष नहीं है, अभी हम बिल्कुल वीक सिस्टम है हमारा, मॉनिटरिंग हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है, जो लोग रहते हैं उनको कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन जीरो के बराबर है, रेजिस्टेंस है पब्लिक इन्फॉर्मेशन के बारे में के लिए। तो अभी हम सक्षम नहीं है, आज के दिन कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जो सिचुएशन अभी पैदा हुआ है इससे हम अपने आप को किस तरह काबू में रखें, हमको क्या क्या सतर्कता अवलंबन करना चाहिए, एक कॉमन आदमी के लिए आपका क्या मैसेज होगा बड़े संक्षेप में? पूरी जानकारी रखिए, जो भी हो रहा है उसका पूरा पता करिए और एक जानकारी से जिए। अगर आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आप अपने आप को सुरक्षित करने में समक्ष ज्यादा होंगे। बहुत बहुत